हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मैं कुछ जीके का पर्सन लेके आया हूँ जो फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। मैं थोड़ा लेट हो गया दोस्तों, मैं बाहर चला गया था। तो अभी मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये मुझे नितेश जी जी ने भेजे हैं, तो मैं उनका बड़ा धन्यवाद करना चाहता हूँ सबसे पहले। और जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहा है, नीचे रेड कलर का बटन दबा के वो हमसे जुड़ सकता है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन। जहांगीर महल कहाँ पर है? ये आगरा में है दोस्तों। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी, उमेश चंद्र बनर्जी। बीएसएफ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तनुश्री। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। राष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दोस्तों, इसमें किसी शिफ्ट में ये भी बता रहे थे कि चीफ जस्टिस राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, ठीक है दोस्तों? तो ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही दिलाता है। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? दो उपग्रह हैं दोस्तों, फोबस और डायमस। यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, ये कुछ ऐसा क्वेश्चन था, तो इनकी तो देवगिरी थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है दोस्तों। और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राज्यपाल की सलाह से होती है। सुप्रीम कोर्ट के मैजिस्ट्रेट को कौन नियुक्त करता है? तो दोस्तों, इसका जो आंसर है, सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश और हाई कोर्ट के मैजिस्ट्रेट को हाई कोर्ट का न्यायाधीश। तो इस पे थोड़ा मुझे कंफर्म नहीं लग रहा कि थोड़ा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, तो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं इसको। अक्षय कुमार की फिल्म को कौन सा नेशनल अवार्ड मिला? 64वां। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को। तो दोस्तों, ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे मिले थे, तो मैं आपके पास लेके आ गया। अगर आपको अच्छे लगे तो दूसरों को भी शेयर कर देना, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ सकूं, ठीक है दोस्तों? और हमारी पीडीएफ आपको लेनी है अगर किसी भी वीडियो की, तो नीचे ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि मैं आपको ये जितनी भी मैं वीडियो बनाता हूँ सबका आपको पीडीएफ दे दूँ, ठीक है दोस्तों? और हमसे जुड़ने के लिए नीचे रेड कलर का बटन दबा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।